स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 1 इन साइंस 2, जिसकी आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओके, तो देखो, ये जो टेस्ट नंबर 1 है इन साइंस 2 की, तो ये जो हमने वर्कशीट अभी तक रिवाइज की है, जैसे वर्कशीट नंबर 1-5, इसमें से कंटेंट इस टेस्ट नंबर 1 में आने वाला है। ओके, तो जिसको 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और टाइम पीरियड है 30 मिनट्स। ओके, अभी देखो कुछ इंस्ट्रक्शन है तुम लोगों को फॉलो करना है, तो जैसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, उसके बाद है साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन वेयर नेसेसरी, जहाँ जरूरी है वहाँ तुम लोगों को डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और लास्ट है द नंबर टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट मार्क्स, मतलब राइट साइड में टेस्ट के राइट साइड में जो आंसर क्वेश्चन के राइट साइड में जो मार्क्स दिए गए ना, उस क्वेश्चन के वो मार्क्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 है और उसमें कुछ सब क्वेश्चन दिए हैं, तो तुम लोगों को क्या करना है, एक जो क्वेश्चन है तुम लोगों ने जो नोटबुक या रजिस्टर किया होगा वर्कशीट के लिए ब्रिज कोर्स के, तो उसमें ये टेस्ट लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देर आर 8 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ दिस हमें 5 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस, जिसको 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी। जैसे मैंने पिछले टेस्ट में, मतलब साइंस 1 की जो टेस्ट थी, उसमें भी मैंने तुम लोगों को आंसर यहाँ लिख के नहीं दिए थे, तो वैसे ही इस टेस्ट में भी मैंने किया है, तो तुम लोगों को आंसर में ओरल बताती जाऊंगी, तो तुम लोगों को ये लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ हमें हेरिडिटी की डेफिनेशन लिखना है। क्या है हेरिडिटी, मतलब दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक बार और रिवाइज करती हूँ मैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ओके, अभी कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रोमोसोम मेड अप ऑफ, तो इसका सिंपल आंसर लिखना है, दैट इज डीएनए लिखना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ, दैट इज क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए, तो इसका आंसर है डीएनए। देन थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में का, नेम द फिगर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्रोमोसोम। तो देखो दो फिगर दी गई है यहाँ, तो पहले फिगर को नाम देना है मेटासेंट्रिक और दिस वन इज सब मेटासेंट्रिक। ख्याल में रखो, दिस वन इज मेटासेंट्रिक और दिस वन इज सब मेटासेंट्रिक। ओके, देन उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की हमें डेफिनेशन लिखना है। व्हाट इज एक्सक्रीशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। देन उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है, विच वेस्ट मटेरियल इन प्लांट आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग, मतलब प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है प्लांट्स के बॉडी से, तो ह्यूमन बींग के लिए वो यूजफुल कौन कौन से है, ह्यूमन बींग यूज करते हैं, जिसको हमने रिवाइज भी किया था। तो पहला लिखना है तुम लोगों को लेटेक्स, जो रबर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लिखना है गम, उसके बाद लिखना है रेजिन, और जो फॉलन लीफ या पार्ट ऑफ प्लांट होता है ना, उससे मैन्यूर भी तैयार किया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। तो क्या है, आंसर वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड एज डायलिसिस। तो ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, दिस वन इज ट्रू, तो तुम्हें क्या लिखना है, ट्रू। तो देखो ये सभी क्वेश्चन तुम लोगों को लिखना ही है,
सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, तो क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, ओके। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है इसके आगे क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना है और इसके आगे छोटी सी डैश डैश देखे ट्रू लिखना है, ओके। देन उसके बाद है सेवन नंबर का क्वेश्चन, क्या है, राइट कोरिलेशन। अभी देखो कोरिलेशन में यहाँ दिया है 41 + x, दिस वन इज टर्नर सिंड्रोम, तो 44 + xxy क्या है, तो इसका आंसर लिखना है तुम लोगों को क्लैनिफर्ट सिंड्रोम। क्या लिखना है, क्लैनिफर्ट सिंड्रोम मतलब 44 + x टर्नर सिंड्रोम होता है, तो 44 + xxy, तो यहाँ डैश पे क्या लिखना है, क्लैनिफर्ट सिंड्रोम तुम लोगों को लिखना है। देन लास्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 8, तो इसमें भी कोरिलेशन हमें लिखना है, क्या है, 3:1 मोनोहाइब्रिड है, तो 9:3:3 क्या है, तो यहाँ लिखना है तुम लोगों को डायहाइब्रिड, ओके। तो इस डैश पे क्या लिखना है तुम लोगों को, डायहाइब्रिड सिर्फ, ओके। तो चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अभी बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ। तो देखो इसमें भी हमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जिसको 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, तो मतलब 2 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट वाला क्या है, लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम को क्या, क्रोमोसोम की यहाँ डायग्राम दी गई है और हमें क्या लिखना है, इसके इसको लेबल करना है। तो देखो ये क्या है, दिस वन इज द आर्म ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ लिखना है तुम लोगों को, देखो ध्यान से देखो, आर्म ऑफ क्रोमोसोम लिखना है, ओके। उसके बाद यहाँ लिखना है पी आर्म, यहाँ लिखना है पी आर्म, उसके बाद दिस वन इज सेंट्रोमियर, ओके, यहाँ लिखना है सेंट्रोमियर जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है, देन दिस वन इज क्यू आर्म, ओके, दिस वन इज क्यू आर्म, और दिस वन इज डीएनए, ये लास्टली है डीएनए। तो डायग्राम ड्रॉ करो और उसको लेबल भी करना है, ओके। देन अभी ड्रॉ मतलब क्रोमोसोम के डायग्राम निकलना इतना हार्ड नहीं है, तो इसको ड्रॉ कर लेना और लेबल कर लेना। देन सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक स्पेस इन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया गया है और उसमें कुछ ब्लैंक प्लेसेस है, उसमें हमें क्या करना है, आंसर्स लिखना है। तो चलो देखते हैं, तो देखो P1 जनरेशन में 2 प्लांट लिए गए क्रॉस करने के लिए, एक टॉल था एक डॉग था, जिसको जिसका जो जीनोटाइप है टॉल का कैपिटल टी और डार्क का स्मॉल टी। अभी गैमेट फॉर्मेशन की टाइम क्या होता है, जो जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो देखो कैपिटल टी सेपरेट हो गए और स्मॉल टी भी सेपरेट हो गया। अभी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यूनियन होता है गैमेट का, ओके, ये सब हमने रिवाइज किया है। तो जब क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होगा, फिनोटाइप क्या है, टॉल, मतलब कैसे दिखेंगे, टॉल है। अभी P1 से ही F1 जनरेशन फॉर्म होता है, तो यहाँ जीनोटाइप हमें लिखना है, तो यहाँ क्या लिखना है डैश के ऊपर तुम लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये सब तुम लोगों को लिखना है, लेकिन डायग्राम जो प्लांट की मैंने डायग्राम दिखाई है वो ड्रॉ नहीं करना है, ओके, ये सिर्फ तुम लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ दिखाया है, ओके। तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये जो लिखा है ना फिनोटाइप, ये जो टॉल डार्क वाला, ये सभी तुम लोगों को लिखना है, और जो ये है लाइन है उसके ऊपर क्या लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना है। तो ये हो गया अपना F1 जनरेशन। अभी F1 जनरेशन से F2 जनरेशन फॉर्म होता है, तो चलो मैंने उन नेक्स्ट स्लाइड पे लिया है जो तुम लोगों को कंटिन्यूएशन में लिखना है। तो चलो देखो अभी 2 प्लांट लिए गए F1 जनरेशन से, जिसका फिनोटाइप क्या है, टॉल है दोनों भी, और जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अभी ये 2 प्लांट अपने कौन से गैमेट फॉर्म करेंगे, एक करेगा कैपिटल टी दूसरा करेगा स्मॉल टी। अभी हमें क्या करना है, एक देखो प्यूनिट स्क्वायर दिया गया है और यहाँ ब्लैंक प्लेसेस तुम लोगों को दिख रही है, तो यहाँ ब्लैंक प्लेसेस पे हमें लिखना है। तो देखो यह इस जगह तुम लोग क्या लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके साथ लिखना है टॉल, ओके। इस जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ भी टॉल लिखना है, लेकिन इस जगह पे क्या आएगा, स्मॉल टी और यहाँ डॉर्क
या शॉर्ट लिखना है। ओके, तो ये ख्याल में रखना कि ये जो 3 प्लेसेस है, एम्प्टी प्लेसेस, यहाँ तुम लोगों को फिल क्या करना है, पहली जगह कैपिटल टी स्मॉल टी उसके साथ टॉल, यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी टॉल लिखना है, और यहाँ लिखना है स्मॉल टी शॉर्ट या डॉर्फ। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ शॉर्ट नोट पूछा गया है डाउन सिंड्रोम का। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है ये 47 क्रोमोसोम की वजह से होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 चाहिए ह्यूमन बींग में, लेकिन 47 हो जाता है, मतलब 24 जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है, और जो मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इसका मेंटल रिटार्डेशन इसमें होता है। तो लिखना क्या है, चलो मैं बताती तुम लोगों को, डिक्टेट करती, आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, दैट इज दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोजोम। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद लिखना है इट इज डिस्क्राइब एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखना है इन्फंट हैव वन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन 21st पेयर। ओके, देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो हेंस दे हैव 47 क्रोमोजोम। और लास्ट पॉइंट लिखना है मेंटल रिटार्डेशन इज मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस डिसऑर्डर। ओके, तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम का शॉर्ट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। तो कौन सा क्वेश्चन का है, सेकंड क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चन है फोर्थ, क्या है, बिलो आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग। कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, उसको क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है हमें डोमिनेंट और रिसेसिव में। तो जो देखते हैं, चलो देखते हैं कि क्या है कुछ कैरेक्टर ह्यूमन बींग के, जैसे रोलिंग टंग है, नॉन रोलिंग टंग है, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म, अब्सेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म, उसके बाद है ब्लैक एंड कर्ली हेयर, ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर, उसके बाद है फ्री ईयर लोब और अटैच ईयर लोब। अबे हमें क्या करना है, कौन से डोमिनेंट है और कौन से रेसेसिव है ये लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप लोग, एक तो तुम लोग क्या करो, जब जैसे हम डिफरेंस बिटवीन करते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन के लिए हम दो पार्ट करते हैं, एक तरफ दूसरा और दूसरे तरफ दूसरा लिखते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो, या तुम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसा करके उस कैरेक्टर का नाम भी लिख सकते हो जो दिया है, और रेसेसिव करके उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेकिन इजी कौन सा जाएगा, दो पार्ट करो डिफरेंस बिटवीन के जैसे, और एक तरफ लिखो डोमिनेंट और दूसरी तरफ लिखो रेसेसिव, और डोमिनेंट के कैरेक्टर जो है ना, मैंने तुम लोगों को इजी समझाने के लिए, या तुम लोग इजी लिख सकते हो, इसलिए देखो इस साइड के, मतलब लेफ्ट साइड के जो कैरेक्टर है ना, ये पूरे डोमिनेंट है, उनसे रोलिंग टंग, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म, ब्लैक एंड कर्ली हेयर, फ्री हेयर लुक, ये पूरे डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये जो इधर दिख रहे हैं ना राइट साइड पे, तो ये है रेसेसिव कैरेक्टर, कौन से, नॉन रोलिंग टंग है, अब्सेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म है, ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर, अटैच ईयर लुक, दीज आर रेसेसिव कैरेक्टर। तो तुम लोग जैसे अच्छा लगे वैसा तुम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आरएनए इन द फिगर। तो चलो देखते हैं, दो फिगर दी गई है, तो ये कौन से टाइप है आरएनए की। तो पहला जो है दिस वन इज एमआरएनए, और ये जो दिख रहा है ना दिस वन इज टीआरएनए, दिस वन इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए है ये, और ये टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए है। ओके, देन सिक्स क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन व्हिच ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, हमारे बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के लिए मदद करते हैं। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किडनी है। तो और हमें क्या लिखना है, तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ किडनी पहला, और किडनी के साथ ही स्किन और लंग भी क्या करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है। जैसे हमें स्वेट आता है तो सॉल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है हमारे बॉडी से निकल जाता है, देन लंग से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो क्या लिखना है तुम लोगों को, यहाँ किडनी, स्किन और लंग लिखना है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म का रीजन क्या है। ओके, और उसके साथ ही है राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। ओके, तो
तो अल्बिनिज्म का कॉज या रीजन क्या है? द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। तुम्हें क्या लिखना है? बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। ये हो गया रीजन का आंसर, मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ अल्बिनिज्म का आंसर। अभी देखते हैं उसके सिम्टम्स क्या है। तो चलो सिम्टम्स में लिखना है स्किन बिकम पेल, उसके बाद लिखना है हेयर्स आर वाइट एंड आईज आर यूजुअली पिंक। ये तीन सिम्टम्स तुम यहाँ लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ देखो हमारे पूरी जो टेस्ट है वो खत्म हो गए। ओके, जो तुम लोगों को लिखना ही है, पूरे क्वेश्चन लिखना है और आंसर्स भी लिखना है। जहाँ जरूरी है डायग्राम निकालना, वहाँ डायग्राम निकाल के उसके नीचे नाम देना है या लेबल करना है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 साइंस 1 की।